अभी जाना आग जला ली है और जाना पतीली रखे हैं। मेरे पास है कस्टर्ड, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के कस्टर्ड भी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह, हमारा रबड़ी जूस बिल्कुल तैयार है और इसको है बर्फ की इंतजार। बर्फ भी आ गया, अभी डाल दिया बर्फ। मजीद जो है ना, मैं इसको कर रही हूँ ठंडा। रोटी दाल है वाला चीज है ना फ्राई। अच्छा, मामी अम्मी और मामू को देख के आओ जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, बाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। ठीक, तो इसी नेक दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। जी आप लोग देख रहे होंगे, देख लिया होगा कि ये किसका कमरा किचन है। ये है बड़ी, ये बड़ी सिस्टर के कमरे में है, लेकिन आज मौसम बहुत हवा तेज, जैसे बारिश इस तरह मौसम के चलने वाली हो, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई, लेकिन मौसम बना हुआ है ऐसा। आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो मैं जो है ना बड़ी बाजी के घर में आ चुकी हूँ, क्योंकि जो है ना वहाँ पे मेरे पास था लकड़ियों वाला चूल्हा और इधर है सिलेंडर। अम्मी के घर में भी है सिलेंडर, लेकिन इधर मैं बैठ गई हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी खुली जगह है अम्मी के घर, वो थोड़ा सा छोटा किचन है, फिर तीन चार पाइयां डालते हैं आना जाना, तो वहाँ पे बैठने की ना चार पाइयों की जगह है। और इस साइड से ना मैंने ये छोटी चार पाई रखी हुई थी, वो मैंने बाहर निकाल दिया और चूल्हा जो है ये सिलेंडर वाला मैंने बाजी से ले लिया है। क्या बनाने वाली हूँ आपने वीडियो के साथ जुड़ना है। फिलहाल मैं पहले सबसे पहले तुख मलंगा जो है ना वो भी गो लूँ। इसमें तो सारी जगह ऐसे मट्टी जैसे नहीं, मैं साफ किया इसको, अभी मैं थोड़ी इसको भिगो के रखूंगी, उसके बाद फिर धोऊंगी। अच्छा चले जी, ये देखते हैं क्या बनाते हैं। इसको मैंने जाना, तो मैं उधर देख रहा था, मैंने कहा उधर आप है नहीं, पता नहीं किधर, फिर मुझे पता चला कि आप जो नाश्ते के बाद ना फिर सब दरख्त के नीचे चार पाइयां डाल के उधर बैठ जाते हैं ना, तभी आप देख रहे होंगे कि मैं नजर नहीं आ रही बाकी सब बैठे हुए। अल्लाह करे इंशाल्लाह हवा चल पड़े ना। हवा बस मौसम बना हुआ है, लेकिन अभी चलने का नाम नहीं ले रहे, बिल्कुल जैसे बारिश होने वाली हो। वैसे भी वो बता रहे हैं कि मौसम हर इलाके में बारिश हो रही है, मुल्तान में भी होनी थी, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी वही होगा, जब रहमत बरसेगी तो अल्लाह की मर्जी होगी। इसको मैंने रख लिया जी, बिल्कुल इसको मैं रख देती हूँ। अभी जी बारी है यहाँ पे पतीला चढ़ाने का, चूल्हा जो है मैं जला लूँ, क्योंकि वहाँ पे ना जो मैं बना माचिस भी नहीं है बाजू, माचिस नहीं है नहीं। चलो मैं देख क्या, तो अभी जाना आग जला ली है और जाना पतीली रखते हैं संभाल के लिए हफ्सा। और मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ रबड़ी जूस। वहाँ पे जो है ना फिर लकड़ियाँ मैं अगर जलाती तो जो मैं चीनी डालने वाली हूँ वो जो है ना फिर वहाँ पे जल जाती। रबड़ी जूस, जूस तो क्या ये आग पे बनता है आजकल? हाँ जी आग पे ही बनता है, दूध को पहले से गर्मी पहले से ज्यादा है, फिर आप आग पे जूस बना रहे हैं। अगर मैं लकड़ियाँ जलाती ना तो फिर चीनी को ना चीनी जल जाती। अच्छा इधर सारा अभी इस पानी डाला ना, देखे कैसे ये देखे फूल गया है। चमची के साथ लिखा ये तुख मलंगा जो है ना, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है जिगर की ठंडक के लिए, मैदे के लिए। मैं तो मुझे तो एक हफ्ता हो गया अभी ना, मैं ना गोली खा रही थी, अब ना मैं इसको भिगो के रखती हूँ अम्मी के घर फ्रिज में, तो वो ना फिर जो है ना ठंडा ठंडा होता है, तो मैं यही पीते हूँ तो जिगर को ठंडा हो जाती है। चलें जी बनाए, कैसे बनाना शुरू करेंगे? सबसे पहले क्या डालेंगे आप इसमें? सबसे पहले मैं डालूंगी चीनी, इसलिए मैं इस चूल्हे पे लेके आई हूँ, आपको पता है, क्योंकि ये ना हल्का कर दूँ चूल्हा। अच्छा जब वो लकड़ी क्योंकि हल्की नहीं हो सकती, जो लकड़ी ये फिर हल्की नहीं हो सकती है, तो आग बराबर चला रही है। तंदूर आटा वहाँ पे भून के रखा था, वो ले गई है उनकी बहू, बिस्मिल्लाह। वरना वो यहाँ पे बैठी होती है आपके साथ ही होती, मेरे साथ बैठी हुई होती ना, तो इसलिए चीनी मुझे काफी सारी डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह से फैमिली है बड़ी, हम जो है ना फिर जूस बना रहे हैं, तो ताकि एक एक गिलास जो है ना सबको आ जाए। अच्छा ना पानी डाला है ना जूस डाला है कुछ ना दूध डाला है, बस ऐसे चीनी को हिलाते रहे। हाँ जी ऐसे चीनी को हिलाते, बड़ी बात है। और नमक मिर्ची भी डालोगे इसमें? नमक मिर्ची वाला फिर आपको पिलाऊंगी, ठीक है? चले जी देखते हैं क्या। ये लकड़ी वाला चमचा है ना, तो इससे जो है ना हल्के हल्के से जो है ना ऐसे चलाती जाऊंगी, ताकि जो है ना चीनी नीचे लगे नहीं और जले भी नहीं। चूल्हा मैंने बिल्कुल जो है ना नॉर्मल में कर देती हूँ, इसको ऐसे मिक्स करते रहोगे जी, ताकि इस पे ना पतीली के अंदर ना चिपकेगा नहीं, ये चीनी चिपकेगी नहीं। जी तो माशाल्लाह से चीनी जो है ना वो हल हो चुकी है, ऐसे पता लग रहा है कि जैसे मैंने पानी जैसे छोड़ा, लेकिन इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ा। ये चीनी है? हाँ जी, हल्के हल्के चूल्हे पे ना मैंने इसको जो है ना जैसे खीरा होता है ना मीठा, वो बना लिया है। अभी मेरे पास है दूध और यहाँ पे है कस्टर्ड, तो ये ना पहले थोड़ा थोड़ा करके दूध जो है ना बिस्मिल्लाह
ये थोड़ा थोड़ा करके ना डालती जाऊंगी। ये देखें थोड़ी सी नीचे लगने लगी है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा करके जो ना मैं डालूंगी, ताकि फिर इसकी जो गुठलियाँ थोड़ी सी बन गई थी मेरे से वो भी हल हो जाएंगी। साथ में आज ये जो कस्टर्ड मैंने जो है ना 3-4 चम्मच लिया है, इसको अम्मी कस्टर्ड बनाए हैं, मुझे दिखाएं प्लीज, मैं बनाऊंगी कस्टर्ड आज। ये ना इसको हल करना है। हाँ मैं करूंगी। ये लो करो, गुठलियाँ ना बने। नहीं नहीं हाँ बन गई है ख्याल से, ख्याल से, इसलिए तो मैंने बोला मैं खुद करती, क्योंकि इससे फिर गुठलियाँ बन जाती हैं। मुझे दो, मैं चमचा चलाऊँ, इधर दो। इसको ना मैं हल करके इसको भी साथ में, वैसे जो लगता है वाइट वाइट पाउडर हो, लेकिन ये जब होता है ना, ये मैंगो है ना, मैंगो की शेप खुशबू आ जाती है फिर इसमें। मुझे कस्टर्ड बहुत अच्छा लगता है। हाँ आप सबको कस्टर्ड, रबड़ी जूस, रबड़ी फलूदा और ये तुक मलंगा वाला वो रूह अफजा वाला दूध, इसको बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें। वरना ये फ्रूट इसको इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। फेवरेट रबड़ी जूस और रोज मिल जाए ना तो ये रोज पीती है, और ये कस्टर्ड ये फेवरेट है मेरे। हाँ कस्टर्ड भी, इसको मैंने हल कर लिया है, दूध थोड़ा सा डाल के देखें, इसमें गुठलियाँ नहीं बनने दी मैंने, अच्छे से ये हो गया हल। अभी मैं इसमें चमचा मजीद जो है ना चलाती जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा दूध डालती जाऊँगी। आप लोगों ने भी, वैसे तो गर्मियाँ चल रही हैं, हर घर में जूस या कोई ना कोई चीज़ बनती रहती है, तो मैंने कहा चले मैं भी आज जो है ना जूस बना लूँ बच्चों के लिए, बच्चों का दिल खुश हो जाता है। अपने घर अम्मी इसलिए नहीं बनाए क्योंकि वहाँ पर आए हुए हैं नल वाले। नल वाले अभी आए हैं? हाँ जी, वो नल लगा की वजह से नहीं, क्योंकि ये ना मैंने पहले भी आपको बताया, फिर मेरे बहन भैया कहते हैं कि आप ना एक बार तो बार बार बोलती हो। नल वाले अभी आवाज़ आई है, वो लेके गए थे, क्योंकि नल जो है ना यहाँ पे ये पानी जो है जहाँ पे अब मेरा घर बना है ना, ये पानी ना बहुत ज़्यादा नीचे है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया नल लगाने में। फिर किसी और के नल भी मेरे ख्याल में लग रहे थे। ये क्या ये आज आपकी पसंद की चीज़ बन रही है? रबड़ी जूस टाइम जो हम पीते हैं, बल्ले 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 हो गए। अब मैं थोड़ा थोड़ा ना दूध डालती जा रही हूँ अभी, क्योंकि ना ये भी नीचे चीनी लगेगी नहीं। की हो गए तो फिर बर्फ ले आओ जाके बर्फ मंगवाते हैं अड्डे से। बर्फ वहाँ से किसी भैया को बोल के फिर पकवाते हैं। हाँ भैया को बोलो, आज खाला चारपाई भी इधर ही ले आई है अपनी, क्योंकि मौसम है ना खराब। तो बाजी कह रही है अगर आपके ना घर में बारिश आ जाए, आपका जैसे ये वाला टेंट गिर गया था, तो आप खुदा ना करे कि वो भी गिर गया ना, तो मौसम जो है ना बाहर बहुत खराब है, तो इसलिए ना बाजी ने कहा है कि ना ये चारपाई बड़ी है ना तो इधर डाल देते हैं। वैसे भी वो अम्मी ज़ैनब और आपने मेरे कपड़े देखे, सेम सेम दोनों के ब्लैक कपड़े, ये इनको मामी ने गिफ्ट किए हैं दोनों को। हाँ जी मामी ने यहाँ पे बिछाते, फिर मैं ले जाती हूँ बिस्मा मैक और ज़ैनब के लिए, और मामी ने फिर मेरे भी एक सूट साथ ले लिया था। अब आयत रह गई। हाँ आयत रह गई, तैब और आयत के लिए भी नहीं, तैब और आयत फिर बाद में देखे जाएंगे। छोटी हैं, खैर छोटी हैं, हम बड़ी हैं। देखिए आप ना गुठलियाँ नहीं बनी है, बिल्कुल हल हो गई है चीनी, थोड़ा थोड़ा मैंने दूध डाला ना तो इसलिए चीनी बिल्कुल हल हो गई है। वरना अगर एकदम से डालती ना जैसे कस्टर्ड की गुठलियाँ बन जाती, इसकी भी ऐसे ही बन जाती हैं। तो चीनी वैसे तो बंदा उसमें भी हल कर सकता है पानी में, लेकिन ये चीनी जब मैंने हल किया ना, ये रबड़ी जूस का जायका कुछ और हो जाता है। मेरे रबड़ी जूस में हाँ जैसे हम अपने शहर से पीते थे वही है ना, वही है। बिस्मिल्लाह अब दोबारा और डाल देती हूँ। अब मेरे पास दूध जो था ना वो 1.5 किलो का था, इसको मजीद थोड़ा सा पकाऊंगी ये। तो माशाल्लाह से दूध जो है ना मैंने डाला और इसको मैंने 10 मिनट के लिए पका लिया। अभी मैं डालने लगी हूँ यहाँ पे मेरे पास है कस्टर्ड, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के कस्टर्ड भी डाल देती हूँ बिस्मिल्लाह, और इसको थोड़ा सा मजीद मैं पकाऊंगी कस्टर्ड डाल के। ये देखें इसका, इसकी शक्ल देखें, हफ्सा के तो मुँह में अभी से पानी मुझे लगता है आ रहा होगा। इसमें चमचा मजीद इसलिए चलाऊंगी क्योंकि ना ये कस्टर्ड डालने से भी ना गुठलियाँ बन जाती हैं, तो इसलिए मैं ना जल्दी से चला रही हूँ चमचा। बाकी रह गया मेरा तुख मलंगा, इसको मैं ढक देती हूँ। देखें थोड़ा सा डाला था और इतना माशाल्लाह से फूल गया है, फूल गया और ये जो ना इकट्ठा हो गया। ये देखें ये देखें कितना गाढ़ा हो गया। आप अभी बर्फ डालेंगे तो, और ना उनकी अम्मी लोगों की ना लाइट के जो सारे के सारे बाहर के बोर्ड और उनके जो है ना बिजली वाला सारा सिस्टम जो है ना धर्म भरम हो गया, क्योंकि लाइट आने जाने से ना सारा का सारा वो ख़राब हो गया ना, तो इसलिए लाइट वाला भाई आए यहाँ पे कर रहे बाहर काम।
तो भाभी जान लोग भी अंदर अपने किचन में आवाज आ रही है, सब उधर ही बैठे हैं। देखें ये हो गया है खाना। अभी मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको जो है पतीला नीचे उतार लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। हफ्सा किसी को बोला है बराबर? नहीं अम्मी अभी तो किसी को नहीं। चले अच्छा, चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको मजीद जो है ना बर्तन हटा दूंगी। इसको थोड़ा सा ना भाप निकाल के उसके बाद तो मलंगा डाल दूंगी। ये आपको घना लग रहा होगा लेकिन जब मैं बर्फ डालूंगी तो थोड़ा सा जो है ना फिर ये पतला हो जाएगा। लेकिन रबड़ी दूध होता भी घना घना सा है। हमारा रबड़ी जूस बिल्कुल तैयार है और इसको है बर्फ की इंतजार। मैं लेके आ गई हूँ बाहर, यहाँ पे तसले में डाला है पानी और इसको मैं कर रही हूँ ठंडा। ठंडा करके फिर डालूंगी बर्फ। अगर मैं बर्फ डालती भी ना ये बेचारा जो है ना ज्यादा पतला हो जाता, इसलिए अभी पानी में जो है ना मैंने इसको पतीले को रखा हुआ है। ये थोड़ी ही देर में ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है ना बर्फ इसमें डालूंगी तो ये मजीद ज्यादा ठंडा हो जाएगा। ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको सब पूछ रहे हैं क्या बनाया है, तो मैंने कहा रबड़ी जूस पियेंगी। तो जैनब कह रही फूफा अगर आपने बनाया तो ज़रूर पियूंगी। देखे पतीली ठंडी हो गई है, अभी इसको मैं अच्छे से घुमाऊंगी और मज़ीद ठंडी हो जाएगी। जूस जो है ना वहाँ पे कुछ ठंडा हो गया था और बर्फ़ भी आ गया, अभी डाल दिया बर्फ़। मज़ीद जो है ना मैं इसको कर रही हूँ ठंडा। तो गिलास भी अफसा लेके आ गई है साथ में सारे, बस अभी सर्व करना है। लाडो से सभी उठ गई है, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी कल से, इसकी जो है ना गोली ब्लड प्रेशर वाली पता मैं, आज तो इसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी, पता चल रहा होगा आपको आंखों से। अभी जूस का सुन के मेरे ख्याल में उठी नहीं, नहीं गोली खाई है अभी, पैना डोल के मेरे सर में बहुत दर्द था जी संपूर्ण, क्योंकि इसकी दवाइयाँ चलती है। अब कुछ बेहतर रही तो उठी है, मैंने कहा चलो जूस भी साथ साथ पी लो, थोड़ा सा मुँह धो ताकि फ्रेश हो जाओ। तो इसको ठंडा करते हैं फिर सबको देते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए मजीद। यहाँ पे जो है ना हमारा शरबत बिल्कुल तैयार है और सबसे पहले मैंने ट्रे भर लिया है। अम्मी और मामू को दे के आओ जल्दी जाओ, नानी अम्मा को सबको जल्दी जाओ, सबसे पहले उनको दे दो। लाडो सिस्टर को इस मग्गे में दूंगी, मग्गे क्यों पी लो, बस ठंडा है अच्छा है आप पी के तो देखो। चलो मजीद और ठंडा होता जा रहा है और सबको देती हूँ जिस जिसको पूरा आएगा इंशाल्लाह। तो बहुत ही मजेदार बना है, मजे भी ले लो अपने बहुत अच्छा। तो बस इस वीडियो का यहीं से करते हैं, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद ही होगी। अगर पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।